ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਸਮੀਰ ਦੱਤਾ, ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ੋਰੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। जी परसों रोज मैं इंप्रूवमेंट ट्रस्ट में दुरगियाना तीर्थ के रुके हुए कामों बारे मीटिंग की थी और उत्थे फैसला किया गया कि मौके पर जाके दुरगियाना तीर्थ जिहड़े रुके काम ने देख के उन्होंने जल्दी एक्शन लिया जाए। मुद्दे सन कि एक तो साडा जोड़ा घर जो बनया नवा वह छोटा होने करके कपैसिटी वो सारी 500-700 जोड़े की है तो जो कोई धार्मिक त्यौहार व्डे आते हैं तो जोड़ा घर छोटा पै जाता है। एक जगह होर असी डिसाइड की है कि जोड़ा घर 1500 to 2000 का एक नवा होर बना के दईए दुरगियाना तीर्थ में और गठड़ी घर जोड़ा बनना सी वह भी छोटा सी कि जगह पर बनना चाहिए वह भी डिसाइड की असी जगह जोड़े फाउंटेन बंद सन वह मौके पर देख के जोड़े कनैक्शन बिजली के देने वाले ने उन्होंने असी ऑर्डर करवाए ने और पार्किंग की जिहड़ी समस्या सी नीचे कुछ कमियां सन पार्किंग दे विच उहदे बारे भी सारे अफसर साहिबान गौर किया गया। दो तीन दिन पहले सुनील दत्ती जी ने इनीशिएटिव लेंदे होया दुरगियाना कमेटी ते इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अफसरां की मीटिंग करवाई सी जिहदे विच जिहड़ा ब्यूटीफिकेशन दी प्रोग्राम चल रहा है जिहड़ा बहुत ज़्यादा लेट है उहनूं रिव्यू किया गया सी। उहदे उपलक्ष्य दे विच ही अज दोबारा तो सुनील दत्ती जी ते दो तीन कौंसलर जड़े ने ते एससी साहब गर्ग साहब जड़े ने वो इत्थे मौके ते आए सी उन्होंने मौके ते सारे विजिट कीती है जिहदे नाल दुरगियाना कमेटी नाल सी असी उन्होंने सारियां जड़ियां कमियां पेशियां सारियां दसियां और उन्होंने आश्वासन दवाया भी ये दो महीने दे विच विच ही इहनूं एक फेस वन जड़ा उन्हों कंप्लीट कर देंगे तो हूँ सैकेंड फेस से एंट्री कर रहा आज MLA साहब आश्वासन दवा के गए ने कि 3 महीने के अंदर अंदर असी इनू बहुत तेजी के लियावे तो ये जल्दी तो जल्दी जोड़े काम इनकंप्लीट रह गए ने उन्होंने कंप्लीट करा तो ताकि जो बाहरों दूर दराज तो आते यात्रियों अगों कोई मुश्किल दरपेश ना आए।